वेल माई डियर स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इज इथीमोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ द टर्म लेजिस्लेशन आपको मैंने ये पढ़ाया था कि जो पॉलिसी है ये लॉ हरगज ना है बल्कि पॉलिसी जब लेजिस्लेशन के जरिए से मैनिफेस्ट हो तो फिर वो लॉ के स्टेटस पे आती है और फिर उसको स्टेचुटरी लॉ का स्टेटस कहा जाता है और नॉर्मली इसको कोडिफिकेशन भी कहा जाता है कोडिफिकेशन जो होती है वो सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ लॉ को कहते हैं तो लेजिस्लेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके बगैर वर्कर्स को राइट्स नहीं मिल सकते पॉलिसी हरगिज हरगिज किसी किस्म का राइट right, किसी लेबरर को वर्कर को एम्प्लॉयर को बिल्कुल नहीं देती तो लेजिस्लेशन जो है ये एक तरीकाकार है जिसके जरिए से लॉ बनता है तो नेचुरली लेबर पॉलिसी का जो स्टूडेंट है उसको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेशन किसे कहते हैं आइए इटीमोलॉजी ऑफ द टर्म लेजिस्लेशन को डिस्कस करते हैं इटीमोलॉजी कहते हैं ओरिजिन को इस लफ्ज लेजिस्लेशन की जो इटीमोलॉजी है वो दो लैटिन वर्ड्स में है पहला लफ्ज है लेजिस एंड दूसरा है लैटम और इनका रिस्पेेक्टिवली जो मीनिंग बनता है लेजिस का मीनिंग है लॉ लैटम का मीनिंग है टू मेक दस डियर स्टूडेंट्स द टर्म लेजिस्लेशन मीन टू मेक लॉ तो लेजिस्लेशन क्या कर रही है लॉ मेकिंग कर रही है जिससे वर्कर्स को राइट right मिलेंगे तो पॉलिसी जो है ये बिगनिंग स्टेज है पॉलिसी से आगे फिर लेजिस्लेशन है लेजिस्लेशन से फिर जो है वो राइट्स क्रिएट होते हैं और स्टैचुटरी लॉ बनता है माइडियर स्टूडेंट्स तो मानी हम देख रहे हैं कि लेजिस्लेशन के क्या बने तो लेजिस्लेशन बेसिकली प्रोसेस ऑफ मेकिंग और पॉजिटिव लॉ है इनैक्ट से मुराद है लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और जो मैन मेड लॉज होते हैं माइडियर स्टूडेंट्स उन्हें पॉजिटिव लॉ कहा जाता है और ये रिटर्न फॉर्म में होते हैं और माइडियर स्टूडेंट्स ये एक फॉर्मल प्रोसीजर को अडॉप्ट करके बनते हैं जो पाकिस्तान है उसमें लॉज जो हैं वो जो नेशनल लेवल के लॉज हैं वो पार्लियामेंट बनाती है यानी नेशनल असेंबली सेनेट और प्रेजिडेंट और जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो लॉज बनते हैं वो प्रोविंशियल असेंबली बनाती है माई डियर स्टूडेंट्स जो टर्म लेजिस्लेशन है उसको अगर हम देखें तो वो कहता है कि ये मैथड ऑफ मेकिंग और पासिंग अ मैन मेड लॉज इन रिटर्न फॉर्म

प्लस सेनेट प्लस प्रेसिडेंट ये तीनों मिलते हैं तो पार्लियामेंट बनती है अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को कंसल्ट करें वहां पे आपको प्रोसेस मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स लेजिस्लेशन इज आल्सो टर्म्ड एट स्टैच्यूट लॉ एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डियर स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान लेजिस्लेशन इज मेड बाय द पार्लियमेंट और बाय द अथॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ द लॉ मेकिंग पावर डेलीगेटेड टू इट बाई द पार्लियमेंट ना लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस जो मोर इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अठारहवीं तरमीम के बाद जो लेजिस्लेटर लेजिस्लेशन की पावर विद रिगार्ड टू लेबर लॉज है लेबर पॉलिसीज है वो तो प्रोविंस को दे दी गई है तो हमारा फोकस जो है वो ये देखें कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन द प्रोविंशियल असेंबली क्या है सबसे पहले जो लेजिस्लेशन होती है जो लॉ होता है उसको बिल की बिल कहते हैं और वो बिल की शक्ल में इंट्रोड्यूस होता है प्रोविंशियल असेंबली में तो बिल क्या है इसको देखें बिल इज अ प्रपोजल टू मेक और अमेंड लॉ इन प्रोविंशियल असेंबली और ये बिल जो है ये प्रपोज ड्राफ्ट की शक्ल में होता है ये प्रपोज ड्राफ्ट ऑफ लॉ होता है और माई डियर स्टूडेंट्स अ बिल इज In fact, a motion to make a law. A notice of a bill must contain a statement of objects and reasons. However, no statement is required in the case of an ordinance laid in the assembly. My dear students, a bill with respect to any matter within the provincial legislative field may, subject to the rule, be introduced in the assembly. This is a procedure with regard to the लॉज बींग मेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज तो इस जिमन में एक और बात आप समझ रहे कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल क्या होता है और उस वक्त क्या प्रोसेस होता है और उसके बाद क्या प्रोसेस होते हैं तो ब्रीफली मैं आपको बताता हूं कि ऑन इंट्रोडक्शन अ बिल इज पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट एंड द स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली रेफर टू द स्टैंडिंग कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी कंसर्ट है उसके पास जाता है और विद द डायरेक्शन जाता है कि इसकी रिपोर्ट सबमिट करें ऑन स्पेसिफाइड डेट हाउ एवर माई डियर स्टूडेंट्स द फाइनेंस बिल इज नॉट रेफर्ड टू एनी कमेटी वेन द रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन अ बिल हैज बिन रिसीव्ड द बिल मे बी टेकन इन टू कंसिडरेशन एट वंस माई डियर स्टूडेंट्स और इट मे बी रेफर्ड टू सिलेक्ट कमेटी और इट मे बी सर्कुलेटेड फॉर अलिसिटिंग ओपिनियन देयर ऑन देन माइडियर स्टूडेंट दसेंबली कंसिडर्स द बिल इन थ्री स्टेजेस नॉर्मली कार्ड द थ्री रीडिंग ऑफ द बिल और थ्री रीडिंग्स के बाद माइडियर स्टूडेंट जो बिल है वो एसेंट एंड पब्लिकेशन के लिए जाता है और जब बिल पासड बाय द असेंबली है वो तैयार हो जाता है तो फिर उसको गवर्नर के पास भेजा जाता है जो उस प्रोविंस को होता है और क्यों भेजा जाता है Assent ke liye, When a bill is assented to by the governor, my dear students, the assembly secretariat publishes it in the official gazette as an act of the assembly. This is the Morris Apprendi, my dear students, as regards the legislation at provincial level. Hope you have understood the topic. Thank you very much indeed.